हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई वांट टू कंटिन्यू अवर यूनिट फॉर लेट्स ट्रैवल। इन माय लास्ट पीरियड आई हैड कंप्लीटेड एक्टिविटी 3। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 पार्ट 2 गुजरात। गुजरात पार्ट 2 On the coast of Gujarat are some beaches including the old port town of Mandvi, but the famous coastal spot are the temples of Somnath and Dwarka। Gujarat के जो समुद्र किनारा है उसमें मांडवी भी एक port town है। बट द फेमस कोस्टल स्पॉट, लेकिन सबसे अच्छा जो फेमस समुद्र किनारे का जो स्थल है वो सोमनाथ का और द्वारका का टेम्पल है। द एंशियंट टेम्पल ऑफ सोमनाथ वॉज रेपिटेडली प्लंडर्ड एंड प्रेजेंट स्ट्रक्चर डेट्स टू 1950s, बट इट कैरीज एंशियंट सैंक्टिटी फॉर हिंदू डेवोटीज। एंशियंट टेम्पल एट सोमनाथ वॉज रैपिडली प्लंडर्ड। सो फ्रेंड्स, हियर प्लंडर्ड मीन्स क्या होता है? प्लंडर मीन्स स्टॉल गुड्स वायलेंटली फ्रॉम, मतलब रैपिडली, मतलब बार बार उसकी किसी से स्टॉलन करना, मतलब चोरी करना, लूट लेना। प्लंडर मतलब किसी के पास से लूट लेना, उसको बोलते हैं प्लंडर। स्टॉल गुड्स, गुड्स मतलब सामान, वायलेंटली मतलब हिंसक रूप से, फ्रॉम किसी के पर जबरदस्ती से लूट लेना, उसको बोलते हैं प्लंडर। तो सोमनाथ का टेंपल आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था मोहम्मद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। तो रैपिडली प्लंडर मतलब बार बार उसको लूटा गया। एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चर डेट्स टू 1950s, और जो अभी का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो 1950 का है। बट इट कैरीज एंशियंट सेंचुरी फॉर हिंदू डेवोटी, लेकिन उसकी जो प्राचीन पवित्रता है वो हिंदू भक्तों के लिए वही की वही है। द पॉपुलर 16th सेंचुरी टेम्पल एट द्वारका इज डेवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा एंड एसोसिएटेड विथ मीराबाई। जो 16th सेंचुरी का जो मंदिर है द्वारका का, वो लॉर्ड कृष्णा का, मीराबाई के जो त्याग हैं वो बताया है। डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा एंड एसोसिएटेड विथ मीराबाई, मीराबाई के साथ एसोसिएटेड है कृष्णा का जो त्याग, मीराबाई का जो कृष्णा के प्रति जो सॉरी त्याग था, बलिदान, वो यहाँ पे बताया है। द टाउन ऑफ पालीतना इज फेमस फॉर इट्स मोर देन 100 जैन टेम्पल्स, और जो पालीतना है वो 800 से ज़्यादा भी उसके जैन टेम्पल है वहाँ पे। सम ऑफ देम एज ओल्ड एज 11th सेंचुरी, इसमें से 11वीं सदी से भी ज़्यादा पुराने हैं। एट लोथल यू कैन सी आर द रूइंस ऑफ एन एंशियंट पॉट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेटिंग फ्रॉम 2400 BC। और लोथल में आप देख सकते हो कि सिंधु संस्कृति के जो प्रारंभिक जब हुई थी 2014 के, उसके अवशेष हमको देखने मिलते हैं। द सासन गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज द ओनली प्लेस वेयर द एशियाटिक लायन स्टिल सर्वाइव्स, और ये सासन गिर नेशनल पार्क है जिसमें, सासन गिर जो गुजरात में है उसमें एशियाटिक लायन अभी भी वहाँ पे जीवित है।
द वाइल्ड ए सेंचुरी इन द लिटल रन ऑफ कच्छ इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये वाइल्ड एस जंगली गधे की जो अभ्यारण है वो कच्छ के छोटे रण में है, वो एक वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सो ये फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी फोर, ये एक्टिविटी फोर थी। एक्टिविटी फाइव, अब हम एक्टिविटी फाइव देखेंगे। एक्टिविटी फाइव में क्या है, वर्क इन ग्रुप एंड स्टिल सॉरी फिल अप द चार्ट। आप ग्रुप में काम करो और ये चार्ट पूरना है। विच ऑफ द एडजेक्टिव्स वुड यू यूज टू डिस्क्राइब द नाउन्स, विच ऑफ द एडजेक्टिव्स, कौन सी एडजेक्टिव आप यूज करोगे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। पुट अ टिक मार्क इन द करेक्ट बॉक्स, आपको करेक्ट बॉक्स में टिक मार्क करने हैं। पुट अ टिक मार्क इन करेक्ट बॉक्स, देयर कैन बी मोर देन वन एडजेक्टिव फॉर ईच नाउन, हर एक नाउन के लिए एक से भी ज़्यादा एडजेक्टिव दिया है। देखो यहाँ पे नाउन दिया है, प्लेन मतलब मैदान होता है, माउंटेन मतलब पर्वत होता है, वैली मतलब खाई होती है, रिवर मतलब नदी और केव मतलब गुफा। अब किसको शूट होती है कौन सी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन को क्या करते हैं ज्यादा बताते हैं, मोर। देखो यहाँ पे प्लेन दिया है, मैदान, मैदान कैसा था तो फ्लैट, हम फ्लैट लगा सकते हैं, तो उसके आगे फ्लैट के आगे टिक करना है। कैसा मैदान था तो फ्लैट, समतल मैदान फ्लैट था, तो फ्लैट प्लेन, तो एडजेक्टिव फ्लैट लगेगी प्लेन के आगे। देन आफ्टर माउंटेन है, तो माउंटेन कैसा है तो मैजेस्टिक, मैजेस्टिक मतलब क्या होता है, आलिशान सुंदर, तो माउंटेन मैजेस्टिक माउंटेन। वैली, वैली खाई ऊंडी थी तो डीप, डीप वैली। रिवर कैसी थी तो चौड़ी थी और ठंडी थी तो फ्रोजन भी थी, तो इसमें दो एडजेक्टिव लगा सकते हैं। और केव, गुफा कैसी थी तो ऊंडी थी तो डीप लगा सकते हैं, और चौड़ी थी तो वाइड केव, तो इसमें दोनों एडजेक्टिव लगती है। तो दोस्तों ये एक्टिविटी भी आपको घर से करना है। नाउ एक्टिविटी सिक्स, हियर आर सम वर्ड्स रिलेटेड टू ट्रैवल, यहाँ पे ट्रैवल के रिलेटेड शब्द है, बट दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, लेकिन वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। सो अरेंज द लेटर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने के लिए उसको सीक्वेंस में करना है। तो इसमें से ट्रैवल के रिलेटेड शब्द, शब्द बाहर के नहीं, ट्रैवल को रिलेटेड है तो वो शब्द आपको बनाना है। तो आप देखते हो ये शब्द कौन से बनेंगे, तो पहले में एन ओ आई टी ए एन आई टी एस ई डी दिया है, तो इसमें से हम बनाएंगे डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, लक्ष्य मंजिल होती है, क्या होती है, लक्ष्य या मंजिल। और दूसरा वाई ई एन आर यू ओ जे, तो जे ओ यू आर एन ई वाई, जे ओ यू आर एन ई वाई, जर्नी, तो जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा। फिर ये है आर ई आर पी ई ए जी एस एन एस ई, दो पैसेंजर, पैसेंजर मतलब मुसाफिर। ई आर टी ओ यू आर ओ यू टी ई, रूट मतलब मार्ग, रूट मतलब क्या होता है, मार्ग। पी आर आई टी प्रिट, तो ट्रिप होता है, क्या होता है, टी आर आई पी ट्रिप मतलब यात्रा। तो दोस्तों ये सब ट्रैवल के रिलेटेड शब्द उल्टे सुलटे दिए हैं, तो उसको हमने सीक्वेंस में किए, क्या किया, सीक्वेंस में। नाउ एक्टिविटी सेवन,
एक्टिविटी सेवन इज एंजॉय द पोयम. देखो यहाँ पे पोयम दिया है. When will the moon be clear and bright? With a cup of nectar in my hand, I asked the blue sky. When would it be up the heaven for tonight? Oh moon, how I wish to get closer to you, riding on the bridge. Yet I fear your crystal and jet chatum is much too high and cold. So let me just dance here with my moonlight shadow round my red mansion till you shine on my silk pillow, sleepless but bearing no regrets. Though distant away, we look at the same moon, and in that sense, we have never parted. Writer is Su Xi from China. इसके राइटर है सु सी चाइना के. दोस्तों तो ये पोयम क्या कहने मांगती है उसका पैराफ्रेज देखते हैं. ये पोयम दिस इज द पोयम फॉर अ फ्रेंड हु इज अवे फ्रॉम अ ट्रिप ऑन अ ट्रिप. एक मित्र जो अपनी ट्रिप में दूर है, वो ट्रिप पे है, मतलब प्रवास में गया है. तो दिस पोएम इज रिटन बाय अ चाइनीज पोएट सु सी. और ये पोएम चाइनीज राइटर पोएट सु सी ने लिखा है. द पोएट हैज विशेस दैट विद द एडवांस ऑफ नाइट द मून गेट्स क्लियरर एंड ब्राइटर. चांद कैसा है, क्लियर और ब्राइटर मतलब प्रकाशित है. द पोएट हैज विशेस दैट द कप ऑफ लिक्विड इन हर हैंड gets filled up with the cool white rays of moon and turns into nectar. मतलब पोएटेस है कवियत्री, वो ऐसा विश करती है कि एक कफ लिक्विड है वो उसके हाथ में भरा हुआ है और वो बिल्कुल ठंडा है और उसके ऊपर चांद के रेस, चांद के जो किरण है उसके हाथों में पड़ते हैं ठंडे किरण. एंड सी क्रेज फॉर मून राइजिंग अबव एंड आस्क द ब्लू स्काई व्हेन मून वुड बी अप हाई अबव इन द स्काई दैट नाइट सो दैट सी कैन एंजॉय इट इन इट्स फुल ब्राइट फॉर्म. वो ऐसी ही उम्मीद करती है कि जो चंद्र मून ऊपर राइजिंग होता है, उगता है और ये नीला हरा आकाश है, उसको पूछते हैं कि द मून वुड बी अप, मून इतना ऊपर है स्काई में. She can enjoy it in its full bright form. और उसकी जो चांदनी की जो प्रकाश है उसको वो enjoy कर सके. Addressing directly to the moon, the poetess says that she wants to get close. Directly poetess चंद्र को संबोधन करके कहते हैं, उसको बोला कि वो उसके नज़दीक रहे और वो हवा से उसके She wants to get close, मतलब वो उसके खुद नज़दीक आना चाहती है कवियत्री, उसके पोएटेस उसके नज़दीक आ जाना चाहती है और वो विंड से मतलब ब्रीज से, ब्रीज मतलब विंड हवा, हवा के ऊपर राइडिंग करके वो उसके पास जाना चाहती है. बट ऑन अदर हैंड द पोएटेस इज अफ्रेड ऑफ रीचिंग देयर. लेकिन वो उसके पास जाने से डरती है. बिकॉज सी फेल्ट दैट द कैसल ऑफ द मून इज टू हाई, क्योंकि वो जो मून का जो किला है वो तो बहुत दूर है. एंड इट विल बी टू कोल्ड फॉर हर टू बेयर, वो सहन नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पर ठंडी ज़्यादा है. फाइनली द पोएटेस ड्रॉप्स द आइडिया ऑफ गोइंग क्लोजर टू द मून. फाइनली वो अपना जो आइडिया है उधर जाने का वो छोड़ देती है. एंड प्रिफर्स
टू डांस हियर ऑन द अर्थ, और अर्थ पे रह के वो डांस करना चाहते हैं। विथ हर मूनलाइट, उसकी जो चांदनी है उसके प्रकाश से वो उसके शैडो के साथ वो डांस करना चाहते हैं। शैडो मीन्स परछाई, उसकी परछाई के साथ वो डांस करना चाहते हैं। द पोएटेस इज इन द लार्ज हाउस एंड इट इज नाइट टाइम। पोएटेस वो उनके घर में उसके बड़े से मकान में है और वहाँ पे नाइट का समय है। मूनलाइट हैज एज इफ सराउंडेड हर हाउस, और चांदनी का प्रकाश उसके घर में चारों तरफ है। सी इज इन हर बेड एंड द रेज ऑफ द मून आर शाइनिंग ऑन हर सिल्क पिलो, और जो चांदनी का प्रकाश है उसके पिलो तकिए पर, पिलो मतलब सिल्की पिलो, सिल्की जो तकिया है वहाँ पे उसके ऊपर चांदनी का प्रकाश आता है। सी सो हैप्पी एंड एंजॉइंग द मून लाइट डैट सी स्पेंड्स अ स्लीपलेस नाइट, बट सी हैज नो रिग्रेट्स फॉर इट एज सी इज एंजॉइंग द कोल ब्राइट सूथिंग मूनलाइट। वो इतनी खुश है कि वो चांदनी का वो प्रकाश रात को देख के वो सब कुछ भूल जाती है और वो बहुत मूनलाइट को वो एंजॉय करती है। सी सेज इवन इफ द मून इज एट अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ द पीपल ऑन द अर्थ गेट फैसिनेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ द मून एंड फील दैट दे हैव नेवर पार्टेड फ्रॉम द मून, दैट इज दे आर सो क्लोज टू द मून। वो कहती है अगर इवन इफ द मून इज एट द लॉन्ग, अगर मून उससे भी डिस्टेंस में बहुत दूर होता तो भी, पृथ्वी से बहुत दूर होता तो भी लोग, पीपल ऑन द अर्थ गेट फैसिनेटेड, लेकिन जो लोग हैं पृथ्वी के वो उससे मोहित हो जाते हैं उसकी प्रेजेंस से, मून की प्रेजेंस से, उसकी हाजिरी से। एंड फील दैट दे हैव नेवर पार्टेड, और वो ऐसा फील करेंगे कि कभी वो मून से दूर अलग हो गए नहीं। दे आर सो क्लोज टू द मून, वो इतना नज़दीक रहेंगे, मून से नज़दीक रहेंगे। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 7 ऑल्सो एंड वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 8 इन आवर नेक्स्ट पीरियड। जय स्वामीनारायण।